हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। नकवी के साथ केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। दोनों का राज्यसभा कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला का एक बयान चर्चा में है। दरअसल एक पत्रकार ने उनसे केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान पर सवाल किया, जिस पर उखड़ते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम बोले, वो अपने घर में रखना। अब्दुल्ला के बयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान गुरुवार को दूसरी शादी करने जा रहे हैं। उनकी होने वाली पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर है। शादी की रस्म चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस में होगी। 48 साल के भागवत मान 2015 में पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर से तलाक हो गया था, जिसके बाद पत्नी बच्चों को लेकर अमेरिका चली गई। पंजाब में मुफ्त बिजली देने का फॉर्मूला तैयार हो गया है। सरकार हर बिल पर 600 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। इसके ऊपर शर्तों के हिसाब से छूट मिलेगी। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। मां काली विवाद पर बयान देने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर दिल्ली से कोलकाता तक हंगामा मचा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस ने भी उनके बयान से पल्ला झाड़ते हुए विवादित पोस्टर की निंदा की है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला कस्बे में 4 अज्ञात लोगों ने दरगाह में सेवा देने वाले ख्वाजा सैयद जरीफ चिश्ती की गोली मारकर हत्या कर दी। वो 4 साल पहले अफगानिस्तान से भारत आए थे। पुलिस के मुताबिक इस हत्या में जरीफ चिश्ती का ड्राइवर और 4 अन्य लोग शामिल हैं। इनमें से 3 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, एक अन्य की तलाश जारी है। केंद्र सरकार ने पूर्व ओलंपिक ट्रेंड एंड फील्ड एथलीट पीटी ओषा, संगीतकार और गायक इलियाराजा, लेखक वी विजेंद्र प्रसाद गारू और समाजवादी विजेंद्र हेगड़े को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की अनुशंसा की है। राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी है। फरवरी में रूसी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से मदद की अपील की थी। इसके बाद कई वॉलेंटियर्स रूसी फौज का मुकाबला करने यूक्रेन पहुंचे। इनमें ब्राजील की मॉडल और स्नाइपर थालिटो डोवेले भी यूक्रेन पहुंची थी। हाल ही में थालिटो की रूसी हमले में मौत हो गई। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन सरकार के 2 मंत्रियों के अचानक इस्तीफा देने से सियासी संकट बढ़ गया है। वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद ने देर रात इस्तीफा दिया है। इसके बाद पहले से ही विवादों में घिरे ब्रिटिश पीएम की मुश्किलें बढ़ेगी। उन पर भी पद छोड़ने का दबाव बढ़ाया गया है। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने गुजरात के समुद्र में संकटग्रस्त व्यापारिक जहाज MT ग्लोबल किंग आई से चालक दल के सभी 22 सदस्यों को रेस्क्यू कर लिया है। समुद्र में 93 समुद्री मील की दूरी पर बचाव अभियान चलाने के लिए पोरबंदर से कोस्ट गार्ड के जहाजों और ध्रुव हेलीकॉप्टर को रवाना किया गया था। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।